भारत में कोविड का टीकाकरण लगातार काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है। सरकार इसका पूरा का पूरा श्रेय खुद को दे रही है, लेकिन इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स जो सबसे ज़्यादा आगे रह रहे हैं, खासतौर से आशा वर्कर, सरकार उनका जिक्र भी नहीं कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोविड टीकाकरण को लेकर बार बार देश से बात करते हैं, तो उस दौरान भी वो एक बार आशा वर्कर्स का जिक्र नाम तक नहीं लेते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आशा वर्कर्स से, जो सचमुच में कोविड 19 टीकाकरण की फ्रंटलाइन और ज़मीनी वर्कर्स रही हैं। वाला धोती वाला, खाने वाला, टोपी वाला, वही स्थिति आशा की है। सब त्याग करके हम लोग किए, और उसमें भी जब सरकार को आंख नहीं खुला कि हाँ आशा भी एगो अथी है, उसको भी कुछ दे, प्रोत्साहन दे चाहे कुछ भी, नहीं, आशा के लिए भी एक भी नहीं आँख खुला है। हम लोग आशा अपने घर बार छोड़ के अपने क्षेत्र में सारा चीज़ कोरोना से लेकर गर्भवती महिला का भी सारा चीज़ का काम करते हुए, अपने शरीर स्वास्थ्य को देखते हुए हमने काम किया, लेकिन इस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है। सरकार समझती है कि सबसे सारा जो है जो मेरा ही हक है और हम ही करवा रहे हैं, जबकि सारा इसका जड़ न्यू आशा ही है। छोटे वर्ग से काम लेता है, बड़े बड़े वर्कर लोग के नाम दिखाता है। ये हमारे BCM सर और प्रभारी सर क्षेत्र में नहीं करते हैं, लेकिन आशा अपनी जान देकर पूरे कार्य को करती है। पोलियो हो या महामारी, इतना बड़ा कोरोना का बीमारी आया सर, इतना बड़ा फ्लेरिया है, TV है, जो भी है, लेकिन सरकार का ये ईंटा नहीं सूझ रहा है, बड़े बड़े मकान सूझ रहा है। काम लेने के पहले बोला गया था कि कुछ मिलेगा, लेकिन उसके बाद उस समय कुछ नहीं हुआ। तो सारे क्षेत्र में घूम घूम कर हम लोगों ने ना हम लोगों को मास्क मिला, ना सैनिटाइजर मिला, सारा अपना व्यवस्था अपने तरफ से किए, और सबको जा जा के घर घर जाकर बोले कि आप कोरोना का इंजेक्शन ले लीजिए। ये झगड़ा तो लड़ाई तो हुआ है, लेकिन हम लोग को मानदेय के लिए तो कोई किसी को इस तक वहाँ तक जवाब ही नहीं पहुँचा कि क्या क्या चीज़ का मांग है। हम लोग को सर प्रोत्साहन राशि देहाती क्षेत्र से हम लोग बहाल हुए 2006 से, लेकिन अब हम लोग को नगर निगम कर दिया गया है, तो और सब कोई के प्रमोशन होता है, हम लोग को और डोमेशन हो गया। जब कोरोना के दौरान जो पिछला कोरोना हुआ आया था, तो बाहर से आते थे आदमी, तो हम लोग सूचना देते थे हॉस्पिटल वाला या ब्लॉक के स्तर पर, तो वहाँ तक की लड़ाई झगड़ा सब हो जाता था कि आप ही ने खबर दे दिया है, और इतना झेलते हुए हम लोग किए, लेकिन आज तक सरकार कभी हम लोग के बारे में सोचा ही नहीं। तो अपने तरफ से बहुत अच्छा काम किए, इसकी बवारसी सरकार को है, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ से ऊपर का इंजेक्शन लगवाया है, उसमें आशा का योगदान नहीं है, हमारी सरकार की योगदान है। पहले तो कि वेतन के रूप में नहीं दिया, उससे हुआ कि मानदेय देंगे, तो मानदेय के रूप में भी नहीं दिया, लेकिन फिर भी अब हम लोग गांव में प्रतिष्ठित हो गए। पैसा तो नहीं मिला, लेकिन गांव में समाज में हम लोग पूछाते हैं, तो हम लोग को तो सब लोग गांव के आदमी पूछते हैं, तो हम लोग को तो करना ही पड़ता है, ना चाह के भी करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग समाज के अंदर हो गए, इसीलिए हम काम करते हैं। और ये काम करने के बावजूद, मतलब जिस समय हम लोग घूम घूम के सबको बताए कोरोना काल में भी, बहुत महामारी में भी, तो मेरे को खुद हम पॉजिटिव हो गए, खुद हम पॉजिटिव हो गए। इतना था कि मतलब 2-3 महीना मतलब हम एकदम असमर्थ रहे, फिर भी फ़ोन मोबाइल इस तरह से काम घर पर ही से करके सिचुएशन, किसी किसी का अगल बगल का जो सर्वे में मोबाइल नंबर हम लोग ले चुके हैं, उससे कांटेक्ट होते रहे, लेकिन उस परिस्थिति में भी हमारी प्रभारी, हम लोगों का या यहाँ का मतलब जो भी स्टाफ सीनियर हैं, वो कुछ पूछताछ नहीं किया कि आशा की स्थिति क्या है। कुछ हम लोगों के अथी है कि प्रोत्साहन सब हटा दे और 21,000 का मानदेय कर दे, सरकारी कर्मचारी घोषित करें। टीकाकरण अभियान में कोविड 19 में चपेट में आने के बाद 14 आशा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जिसको लेकर बिहार सरकार ने उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं दिया, और इसके साथ ही ये आंकड़ा, किसी भी तरीके का आंकड़ा सरकार के पास मौजूद भी नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं की ये मांग है कि कोरोना महामारी के समय उन्हें इक्विपमेंट्स, ग्लव्स, मास्क जैसी सुविधाएँ दी जाएँ, साथ में उनकी जो प्रोत्साहन राशि है उसके बजाय एक उचित मानदेय दिया जाए,
और साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आपको ये वीडियो रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।